हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, बहुत समय से ये मेरा लास्ट लेक्चर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेंडिंग रह गया है, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली रीजंस की वजह से बिजी हो गया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे कुछ CSIR नेट की और गेट की प्रीवियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो कि डिफरेंट टेक्स्ट बुक से मैंने ली हुई हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और अप्रोच करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल अगर दिखे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, तो कैसे हमने इसको अप्रोच करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि कुछ 7-8 प्रॉब्लम, 9-10 प्रॉब्लम शायद इसमें मैंने रखी हुई हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, अभी पता चल जाएगा। और सिक्वेंसली देखेंगे और टेक्निकलिटी समझेंगे कि कहाँ पर क्या आपका सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसी मोड पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए नज़र आता है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, यूजिंग 4358 एंगस्ट्रम लाइंस ऑफ मरकरी वेपर्स। ठीक है भाई, मरकरी वेपर्स आपकी यूज़ के रही हैं एज द सोर्स ऑफ रेडिएशन। अ रमन लाइन वॉज ऑब्जर्व एट 4447 एंगस्ट्रम, वॉट इज द रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट आपने निकालनी है, तो सबसे पहले आप जानें कि जो रमन शिफ्ट आपकी होती है, एक मिनट तो चेंज करते हैं स्टाइलस पिक। ओके, तो रमन शिफ्ट जब भी आप निकालते हैं तो इसको आप डेल्टा न्यू इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, और याद रखिएगा ये सेंटीमीटर इन्वर्स में होती है। और रमन शिफ्ट जब भी आप निकालते हैं तो रमन शिफ्ट के लिए आपको चाहिए होता है, जो वैल्यू दे रखी है वो आपका वेवलेंथ, दैट इज लेमडा। ठीक है, ये एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब सोर्स। और इसके बाद आप माइनस करते हैं रमन लाइंस के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं आप रमन। इनकी यूनिट आपकी अलग अलग हो सकती है, कई बार एंगस्ट्रम कर, कई बार आपकी नैनोमीटर में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और इधर आपके ये जो है, मान लीजिए इस क्वेश्चन के केस में ये दोनों की दोनों आपके एंगस्ट्रम में है। ठीक है, तो डायमेंशनली इक्वल करने के लिए ये फॉर्मूला हमने चेंज करना पड़ता है। तो पहली बात आती है माइनस, यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं आप, क्योंकि जनरली स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं, और स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है आपका। एंटी स्टोक्स लेते तो ये प्लस हो जाता, बट एंटी स्टोक्स को हम लेते नहीं है। ठीक है, और तो ये माइनस इस वजह से यहाँ पर आया है। तो स्टोक्स लाइंस के लिए रमन शिफ्ट आप इसमें देख रहे हैं, पहली बात। अब डायमेंशनली अगर आपने इक्वल करना है तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में लगभग आपके 10^8 एंगस्ट्रम होते हैं। ठीक है, और अगर यही नैनोमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में ये आपके 10^7 एंगस्ट्रम होते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को आप चेंज करते हैं तो रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला आपका बन के आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखिए, इसको मैं यहां से क्लियर करूंगा। तो रमन शिफ्ट यहां से आपकी आ जाएगी, तो मैं इसको लिख रहा हूं। रमन शिफ्ट दैट इज डेल्टा न्यू इनवर्स, इट इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे इसको डायमेंशनली इक्वल करने के लिए यू विल राइट 10^8 डिवाइडेड बाई लेमडा सोर्स और एक्साइटेशन विच इज़ गिवन इन द एंगस्ट्रम। ठीक है भाई, अगर ये नैनोमीटर में होता तो ये ऊपर 7 हो जाता, 10^7। देन माइनस 10^8 डिवाइडेड बाई लेमडा रमन, दैट मीन स्टोक्स लाइंस के लिए वेवलेंथ। ठीक है, ये भी एंगस्ट्रम में दे रखी है, बस यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे, निकल जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 10^8 डिवाइडेड बाई एक्साइटेशन, सोर्स की इंटेंसिटी। ठीक है, तो सोर्स की यहाँ पे आप देखिए कितनी दे रखी है, 4358 एंगस्ट्रम। सो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट 4358 एंगस्ट्रम। ओके, चलिए एंगस्ट्रम लिख देते हैं इसको। ये बिल्कुल मैं बेसिक आइडिया से, एलिमेंट्री से आपको बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। 10^-10^8, राइट।
और अब रमन के लिए, रमन आपकी पहली जो मिल रही है वो मिल रही है 4447 एंगस्ट्रम पे, सो यहाँ पे आप लिख देंगे 4447 एंगस्ट्रम। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप इसका करेंगे, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगी, यूनिट तो हट जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये यूनिट यहाँ से निकल जाएगी आपकी, क्योंकि आपने किस में लेना है, इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में लेना है, फंडा ये आ जाएगा, तो इसको ना भी लिखें तब भी चलेगा आपका। तो इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिंपली आपको क्या मिल सकता है, देखिए नीचे इसको मैं कर दे रहा हूँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं आप, सो दैट वुड बी 4447 इंटू 10^8 माइनस 4358 इंटू 10^8 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4358 मल्टीप्लाइड बाय 4447, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर लगभग लगभग 459 सेंटीमीटर इनवर्स आता है, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर आपने लगा दिया है ये वाला ऊपर से, तो एंगस्ट्रम में ना आके आपको जो भी आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, तो इसका आंसर जो है आपका 459 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इस तरीके से रमन शिफ्ट निकाली जा सकती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ओके, ये गेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट में और भी क्वेश्चन पूछे थे बट वो उतने ज़्यादा डेट मीन उनमें बहुत सारी टेक्निकलिटी थी जो कि मैंने नहीं पढ़ाई हुई, तो एक आध क्वेश्चन मैंने शायद इसका गेट का स्किप किया है, बट इस क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हैं। व्हाट द क्वेश्चन सेज, यू सी हेयर इट सेज द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरिन मॉलिक्यूल शोज अ सीरीज ऑफ स्टोक्स लाइन्स, ये स्टोक्स लाइन्स की आपको वेव नंबर दे रखा है, आपने रोटेशनल कांस्टेंट बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि गीगा हर्ट्स में है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ कर लें, और क्योंकि स्टोक्स लाइंस आप दे रहे हैं और आपको पता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर लाइन जो भी आपकी स्टोक्स लाइंस होंगी या एंटी स्टोक्स लाइंस होंगी उनके बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, यू ऑल नो इट इज़ 4b, तो यहाँ भी 4b लिख सकते हैं, यहाँ भी 4b लिख सकते हैं और इसको भी 4b कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटेंसिटीज़ आपको दे रखी हैं, देखिए कैसे पहली आपको ये सारी की सारी इंटेंसिटीज़ दे रखी हैं, तो इनकी वैल्यूज़ आपने रखनी है, तो इनमें सबसे पहले आप क्या करें, छोटी वैल्यू से इसको सेलेक्ट करना शुरू करें, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो ये वाली है आपकी लास्ट वाली, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, से ये है आपकी 19223, 19223.707, ठीक है। दूसरी के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस वाली के लिए सपोज, ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 19227.238, और तीसरी वाली लाइन सपोज ये वाली दे लेते हैं, इसके लिए जो वैल्यू दे रखी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, दैट इज़ 19230.769, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, ये उससे कम है, क्योंकि आपकी स्टोक्स लाइंस के लिए फ्रिक्वेंसी इधर की तरफ को जैसे मूव करेंगे तो कम होती चलेगी वेव नंबर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए डिस्टेंस कितनी है 4b, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4b, और ये डिस्टेंस किसके, देखिए कोई भी ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, चाहे आप इसका और इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, बात दोनों ही केसेस में एक है, ठीक है। तो 4b इक्वल्स टू, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 19230.769 एंड दिस शुड बी सब्सट्रैक्टेड बाई 19227.238, ठीक है। इसका डिफरेंस अगर आप दोनों का निकालेंगे देन इट वुड बी 3.531, तो ये डिफरेंस इसका इतना आएगा। अब ये डिस्टेंस देखिए, जब हमने ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लिया तब का है आपका, और अगर आप इसको चेंज करके मान लीजिए इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, आप करके देख सकते हैं, तब भी 3.531 ही आएगा, तो यहाँ से आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट मीन बी वुड बी इक्वल्स टू 3.531 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है,
और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव यू 0.88275, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स में होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं सब सेंटीमीटर इन्वर्स में है। देखिए ये सब सेंटीमीटर इन्वर्स, ये वैल्यू सब सेंटीमीटर इन्वर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंटीमीटर इन्वर्स में, अगर आप इसको हर्ट्स में निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको पता है क्या करना है, आपने इसको लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। तो लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आपके पास था 0.88275 सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है, लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं इसको अप्रोक्स करके 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका ये सेंटीमीटर इन्वर्स से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट वुड बी 26.484 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज, और सेकेंड इन्वर्स जो भी है ये वैल्यू आपको बी की मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि ये गीगा हर्ट्ज में आपको चाहिए तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इधर लिख देते हैं राइट, 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻¹⁹ गीगा हर्ट्ज। ये रिलेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। तो गीगा हर्ट्ज में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू 26.484 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁹ माइनस नाइन से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों दो कैंसिल हो गए आपके, तो आंसर आ जाएगा 26.484 बी की वैल्यू है, और ये आपकी किस में है, गीगा हर्ट्ज में है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शन आपका पहला वाला मैंने पहले ही करेक्ट करके रखा है, 26.484 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, क्या है, व्हाट इट सेज। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2018 CSIR नेट में दिसंबर के एग्जाम में इसको पूछा गया है, और बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये क्या बोलता है, इन द थर्ड एंड द फोर्थ लाइन्स इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोनिल डायरेक्ट CO आर सेपरेटेड बाई द 8 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो बेसिकली ये 8 सेंटीमीटर इन्वर्स जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये आपका बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ये बी का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 8 सेंटीमीटर इन्वर्स, और इसको हम बी क्यों कहें, इसको हम 4B कहें, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो 4B होता है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के लाइन के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ के लिए क्या रिलेशन निकलेगा वो आपने निकालना है। तो यहाँ से आप बी वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी 8/4 दैट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो बी की वैल्यू आपको मिल गई, और आपको मालूम है जब बी की वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ से जो रिलेशन आपको मिल सकता है वो क्या हो सकता है, आपको मालूम है, देखिए क्या होता है जब आप निकालते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, ये मैं थ्योरी वाले पार्ट में बता चुका हूँ आपको, बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 8π², ठीक है भाई, म्यू आर स्क्वायर सी, यही तो फॉर्मूला होता है, इस तरीके से ले सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि ये जो आपका 2 है, ये सॉरी जो ये बी है, इस बी की जगह आपने ये 2 की वैल्यू रख दी है, तो 2 की वैल्यू आपकी इतनी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाई, आप कुछ नहीं करना है, आपने आर स्क्वायर को आपने इधर लेके आना है और 2 को आपने नीचे लेके आना है, ऐसे करना है बस, ठीक है। तो एच आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि 2 × 8 मल्टीप्लाइड बाई 16, दैट मीन पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, म्यू सी। बस अगर आप इसका आर निकालेंगे तो इस पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा, सो अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई 16π² म्यू सी। तो ये रिलेशन इस केस में नज़र आएगा, देखिए ये पहला वाला मैंने करेक्ट भी किया हुआ है ऑप्शन ए। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ के लिए रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ एच ऑन एच ओवर 16π² म्यू इंटू सी। तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी 2018 में, 2 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, एट व्हाट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम वुड द एंटी स्टोक्स लाइन्स अपियर इन द रमन स्पेक्ट्रम, ओके, इफ डेल्टा न्यू बार
इक्वल्स टू 460 सेंटीमीटर इनवर्स इज गिवन. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 4358. ठीक है, तो इसके लिए आपने अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि कैसे कर सकते हैं. तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको फिर हम सॉल्व करते हैं. रमन शिफ्ट की बात यहाँ पे चल रही है जो कि आपको 460 के फॉर्म में दे रखी है. ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है रमन शिफ्ट दैट इज डेल्टा न्यू बार विच इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स. इसको अगर आपने निकालना है तो आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय लेमडा सोर्स दैट इज एक्साइटेशन, ये भी एंगस्ट्रम में. ठीक है भाई, तो यहाँ से आप लिख देंगे 10^8. सोर्स के लिए वैल्यू दे रखी है कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 4358 एंगस्ट्रम. तो आप कुछ ना करें, यहाँ पे आप 4358 लिख दें. जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो ये आपको देगा 2.295 × 10^4. ये कैलकुलेशन तो आपने सीखने ही पड़ेंगे भाई. ठीक है, अब वैसे तो आपको गेट के एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, जो सॉरी ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है वो यूज़ करना आपको आना चाहिए. ठीक है, अगर नहीं आता है तो कभी मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे इसको सॉल्व करते हैं उस पर भी कभी वीडियो बना दूंगा, बट अभी नहीं. अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये सिंपल कैलकुलेशंस आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो ये तो वेव नंबर के टर्म्स में जो सोर्स है उसका जो है वेव नंबर आपका निकाल दिया गया है आपने. ठीक है, अब इसके बाद आपको एंटी स्टोक्स के लिए चाहिए. अब आपको पता है कि आपने निकालना है न्यू बार एंटी स्टोक्स. एंटी स्टोक्स आपको पता है कि एंटी स्टोक्स की लाइन जो होती हैं वो आपकी सोर्स की लाइन से ज़्यादा होती हैं, दैट मीन प्लस पार्ट आता है, राइट हैंड साइड पे जुड़ती हैं. अगर आप याद करें तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम होता था, बीच में रेले लाइन होती थी, इधर आपकी जो है एंटी स्टोक्स लाइन्स होती थी और इधर आपकी स्टोक्स लाइन्स होती थी. तो हमेशा इसके लिए पॉजिटिव आता था, ठीक है, और इसके लिए नेगेटिव आती थी. तो इसको अगर आपने करना है, एंटी स्टोक्स की लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है, और प्लस जो आपको एंटी स्टोक्स पहली अपीयर हो रही है वो, इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रमन शिफ्ट आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था. तो इसके लिए आप सीधे सीधे कर सकते हैं 2.295 मल्टीप्लाइड बाई 10^4, ये तो दिया ही है आपका. और प्लस इसके लिए 460 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रमन शिफ्ट दे रखी है आपको ना, यहाँ पे इसको इसमें देखें क्वेश्चन में, रमन शिफ्ट, ये शिफ्ट आपको दे रखी है. तो इसको यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.341 मल्टीप्लाइड बाय 10^4 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, लेकिन क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपने एंगस्ट्रम में बताना है. तो बेसिकली आपने ये जो सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पे जो वैल्यू मिली है इसको एंगस्ट्रम में निकालना है. तो एंगस्ट्रम के लिए क्या करना है आपने, देखिए निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, वेव लेंथ इन एंगस्ट्रम दैट वुड बी इक्वल्स टू वॉट, 10^8 डिवाइडेड बाई न्यू पार इन सेंटीमीटर इनवर्स. बस यही तो जगल करना है आपने, और कुछ नहीं करना है. ठीक है, जब सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना होगा तो इसको यहाँ ले जाएंगे, जब एंगस्ट्रम में निकालना होगा तो इनको ऐसे चेंज कर देंगे. तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये ऊपर आ जाएगा 10^8 डिवाइडेड बाई 2.341 मल्टीप्लाइड बाई 10^4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा 4272 एंगस्ट्रम, ये आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है. इस तरीके से इजीली आप ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. ये क्या कहती है, हाँ ठीक है चलिए, ये प्रॉब्लम्स जो है मैंने एटकिंस की बुक है वहाँ से ले रखी है. ठीक है, हालांकि एटकिंस के सॉल्यूशन मैनुअल भी आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन मैनुअल में जो अप्रोच होती है वो उतनी बढ़िया नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. तो हमको इनको अपना आइडिया लगा के किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकें वो करना पड़ता है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एटकिंस की किताब से उठाया हुआ न्यूमेरिकल है. और ये न्यूमेरिकल आपसे कहता है द वेव नंबर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ओके, इन अ रमन स्पेक्ट्रोमीटर इज 20487 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द स्कैटर्ड स्टोक्स रेडिएशन एंड फॉर द ट्रांजिशन z इक्वल्स टू 0 टू 2, दैट इज़ फॉर नाइट्रोजन. ओके,
और बी का वैल्यू, सॉरी वी का वैल्यू इस केस में आपको ऑलरेडी गिवन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इसको अप्रोच करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको पता होना चाहिए वेव नंबर फॉर स्टोक्स लाइन्स। स्टोक्स लाइन्स क्या होती हैं? ये आपके सोर्स से नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाती हैं, तो माइनस का साइन यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू बार एक्साइटेशन दैट इज सोर्स। अब क्योंकि स्टोक्स कह रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंटी स्टोक्स के लिए प्लस आता है, याद रखिएगा। आपको पता है कितना होता है? बी फोर जे प्लस सिक्स। ये रिलेशन तो हम पहले निकाल कर आए हैं, आपको पता है, पूरी थ्योरी में आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है, न्यू एक्साइटेशन की वैल्यू दे रखी है 20487 सेंटीमीटर इनवर्स। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन राइट 20487 हियर, ठीक है। और बी का वैल्यू आपको दे रखा है 1. यहाँ पे देखिए 9987, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.9987 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6। अब ये नहीं कहेंगे कि 2 कहाँ से आया, क्योंकि जो ट्रांजिशन दे रखा है वो आपका जे जीरो से कहाँ पे हो रहा है, जे टू पे हो रहा है, जो कि सिलेक्शन रूल भी है प्लस माइनस 2। तो 0 से 2 में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जे का वैल्यू 2 रखा हुआ है, ठीक है। और इस पूरे फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वेरी क्विकली मैं इसको करूँगा भाई, आगे लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8, 8 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 20487 माइनस 1.9987, 4 2 8 प्लस 14, ओके, ये 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे, दैट वुड बी 20487 माइनस 27.9818, एंड दैट विल गिव यू 20459.01 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि माइनस माइनस करते समय कहीं गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि जब माइनस कैसे होगा, देखिए इसका बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है, खुद मेरे बीटेक के स्टूडेंट्स भी कई बार इसमें गलती कर देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 20487.0। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखनी पड़ती हैं, सिली मिस्टेक्स जिनको आप बोलते हैं। तो ये जाएगा 27.9818, यहाँ से आपने सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व करेंगे तब नेचुरली आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से एटकिंस की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इट सेज। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हैं, ठीक है। और इसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन मैनुअल में जब हमने देखा था बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई थी। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, इनफैक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है, सॉल्यूशन मैनुअल में ये नहीं था। द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन 35 शोज अ सीरीज ऑफ द स्टोक्स लाइन सेपरेटेड बाई द 0.7952। ये जो 0.7952 है बेसिकली ये आपकी 4B की वैल्यू है, 4B इक्वल्स टू 0.9752 सेंटीमीटर इनवर्स। और ऐसी ही एंटी स्टोक्स लाइन भी देता है, आपने बॉन्ड लेंथ पता करनी है मॉलिक्यूल की, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ पता करना है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, देखिए इसके लिए आपको पता है कि सेपरेशन जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के लाइंस के बीच की होती है वो कितना होता है, 4B होता है, और यही सेपरेशन यहाँ पे दे रखा है 0.9752। सो 4B इक्वल्स टू 0.9752, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू है। तो यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब बी का वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये मिलेगा 0.2438 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो बी का वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला आपको पता है, रोटेशनल कांस्टेंट बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 8π² म्यू इंटू सी। तो म्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पे आई इंटू सी लिख देते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से। ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई की आई से ही आपका जो है म्यू आपका बनता है, ठीक, इसको आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस केस में, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी आपकी, से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आई इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 8π
स्क्वायर बी इंटू सी, ये वैल्यूज हम लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, 6.6261 इंटू 10^-27। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस आपको ज़रूर आना चाहिए, कौन सी वैल्यू यहाँ रखनी है, क्योंकि देखिए ये आपकी मीटर में भी हो सकती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये किसी और में भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम CGS में रखेंगे क्योंकि वेव नंबर हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर यूज़ होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर सेकेंड, ओके, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाई 8, कॉन्स्टेंट है, और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, स्क्वायर कर लीजिए पाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। बी का वैल्यू आप अभी ऊपर निकाल कर आए हैं, दैट इज 0.2438 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट के साथ ही रख देता हूँ मैं इसको ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये भी सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी, तो 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे हो सकता है, देखिए इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये वाला सेकेंड इनवर्स और ये वाला सेकेंड इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर इनवर्स को कैंसिल कर देगा, ठीक, तो जो भी आपको वैल्यू बचेगी अब वो किस में आएगी, वो आएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस पूरे फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद जो आई का वैल्यू आपको मिलता है वो आता है 1.14 × 10^-38 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपने आपको मालूम है आपको निकालना क्या है, बॉन्ड लेंथ निकालनी है, तो बॉन्ड लेंथ के लिए जनरली जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिए यहाँ से लिख देते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाई म्यू, ये फॉर्मूला है, आप प्लस टू में भी पढ़ के आ चुके हैं, आई का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, जो है आपका 1.1485, ठीक है, ये पूरा आपका 1.1485 है, तो इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये रुकिए कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से ही लिखते हैं, ये वैल्यू है 1.1485, ये वैल्यू है, ठीक है भाई, इंटू 10^-38 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू, अच्छा म्यू निकालना है आपने, तो म्यू को हम यहाँ अलग कलर से निकाल देते हैं कि म्यू कैसे इसका कैलकुलेट किया जाए, म्यू आपका रिड्यूस्ड मास होता है, और म्यू के लिए आपको बताया म्यू इक्वल्स टू मास ऑफ द फर्स्ट एटम मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द सेकेंड एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फर्स्ट एटम प्लस मास ऑफ द सेकेंड एटम, ये तो पूरे मोल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन आपने एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो इस फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा आपको अवोगाड्रोज़ नंबर से, तो 1/n हम रख देते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे नहीं रखना चाहते हैं तो इसको हम सिंपलेस्ट वे में भी कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट वेस्ट में वे जो है इसका यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है, तो म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, दैट इज 35 × 35, क्योंकि क्लोरीन 35 की बात हो रही है यहाँ देखिए आप, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 35 + 35, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 17.5 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू किस में आ रही, ग्राम पर मोल में आ रही है, लेकिन आपको चाहिए वन मोल वन पार्टिकल के लिए, ठीक है, ये तो मोल के लिए है, और आपको पता है वन मोल सिंपलेस्ट मोल कॉन्सेप्ट से दैट इज इक्वल्स टू 6.023 × 10^23 ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर आप एक मोल के लिए निकालते हैं या ए सॉरी एक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो जो भी आपका वैल्यू आया है रिड्यूस्ड मास का दैट इज 17.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है भाई, इसको आप डिवाइड करेंगे अवोगाड्रोज़ नंबर से दैट इज 6.023 × 10^23, तो इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर यहाँ सॉल्व करके आता है, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आता है 2.9055 × 10^-23 ग्राम,
तो ये वैल्यू आपने यहाँ रखनी है बेसिकली, तो आप इसको यहाँ रख देंगे 2.9055 इंटू 10^-23 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट यहाँ रख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अगर इतना आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चल सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ऊपर में के क्योंकि स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा अपनी जगह जो मुझे चाहिए। इतना स्पेस मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, याद रखिएगा ये वाला है, ठीक है भाई। दिस विल गिव यू 3.9528 इंटू 10^-16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेना आई होप आपको आता ही होगा, 1.9888 इंटू 10^-8, इट शुड बी 16, ये 16 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये इतना सेंटीमीटर यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जब आपकी आई है वो इतना सेंटीमीटर आई है, एंगस्ट्रम में अगर आपको चाहिए तो आप इसको 1.988 इंटू 10^-8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10^8 से, तो वैल्यू आपको एंगस्ट्रम में मिल जाएगी। ये डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 1.988 एंगस्ट्रम के आसपास है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10^-8 एंगस्ट्रम, ठीक है, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कितनी इजीली। बस ये है कि कंसेप्ट आपने दो तीन लगाने पड़ेंगे, आपको सिंपल फॉर्मूलेज इनके पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इट सेज। ये मैंने एक दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की किताब से उठाई हुई प्रॉब्लम है, और ये है LDS यादव, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई LDS यादव, वहाँ से हमने लिए। क्या कहता है, अ सैम्पल गिव्स द स्टोक्स लाइन्स एट 4458 एंगस्ट्रम, व्हेन द एक्साइटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4358 इज यूज, डिड्यूस द वेवलेंथ ऑफ द एंटी स्टोक्स लाइन्स। आई मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन शायद इससे पहले हम कर चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखते हैं 4358 और 4458 पीछे जाके देखते हैं भाई। ये देखिए 4358 और अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए अप्रोच करते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से मूव करते हैं, देखिए 4 4 4 3 5 8 4 4 5 8, आई होप ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। लगभग वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले किया हुआ है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ाएंगे हम इसको सिर्फ। तो आपको सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो दे रखी है, तो वो कितनी है, वेवलेंथ एक्साइटेशन रेडिएशन 4358, 4358, तो इसको हम एक्साइटेशन कर देते हैं, न्यू बार न्यू एक्साइटेशन, ये वैल्यू दे रखी है। हाँ ये है आपका, या इसको हम चेंज करते हैं, रुकिए ऐसे नहीं करते हैं, इसका अप्रोच दूसरा करते हैं। रमन शिफ्ट आपको पता है, डेल्टा न्यू, मैं वेव नंबर नहीं ले रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा आप। हाँ तो ये हो जाएगा न्यू एक्साइटेशन माइनस न्यू स्कैटर्ड, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग देखते हैं ना, स्कैटर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है रिलेशन, न्यू इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ये भी आपको पता है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू एक्साइटेशन निकाल सकते हैं, न्यू एक्साइटेशन। तो न्यू एक्साइटेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ एक्साइटेशन सोर्स की देखिए 4358, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4358, ये तो एंगस्ट्रम में ही रहेगा भाई, ठीक है। और अगर आपने इसको चेंज करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, चलिए यहीं चेंज कर देते हैं, 4358 इंटू 10^-8, ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप दे लीजिए 2,2,946 सेंटीमीटर इनवर्स।
तो ये तो एक्साइटेशन की आ गई। अच्छा, आप स्कैटर्ड लाइट के लिए भी कर लीजिए फिर इसी को। न्यू स्कैटर्ड इक्वल्स टू वन अपॉन, तो स्कैटर्ड के लिए 4458 आपको दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4458, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 10^-8 से, तो ये वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। और इस वैल्यू को भी आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देता है 2 2 4 3 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू ऐसे आती है। ठीक है, और यहाँ से आपने रमन शिफ्ट निकालनी है डेल्टा न्यू। सो डेल्टा न्यू दैट वुड बी इक्वल्स टू 2296 माइनस 2242। ठीक है, तो एंटी स्टोक्स लाइंस की आपने जो है एंगस्ट्रम में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो रमन शिफ्ट आप निकाल लें, 514 इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 514 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब यहाँ से आपको एंटी स्टोक्स के लिए अगर आपने निकालना है, तो आपको पता है न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स दैट वुड बी इक्वल्स टू न्यू ऑफ सोर्स दैट इज एक्साइटेशन प्लस रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू, क्योंकि एंटी स्टोक्स लाइन्स हमेशा जो है हायर फ्रिक्वेंसी पे नज़र आती हैं। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, 2296 न्यू एक्साइटेशन प्लस रमन शिफ्ट आप निकाल चुके हैं 514, 514, इसको आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23460 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एंगस्ट्रम में, तो आप इसको इजीली एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पूछा ही इसने एंगस्ट्रम में है, देखिए यहाँ पे एंगस्ट्रम में पूछा है, तो इसको एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट किए देते हैं। चलिए, तो एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, लैम्डा में ले लीजिए इसको, तो सिंपली ये आ जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू वन अपॉन 2346 0 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और इसको फिर आप जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.2625 इंटू 10^-5 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसको फिर अगर आप आगे सॉल्व करें या इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4262, डेसिमल को इधर 3 प्लेस तक और बढ़ा लीजिए, इंटू 10^-8 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10^8 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4263 एंगस्ट्रम। तो इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। एंगस्ट्रम को आप चेंज कर रहे हैं, सॉरी, सेंटीमीटर इनवर्स को आप चेंज कर रहे हैं एंगस्ट्रम में, तो मल्टीप्लाई से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो सकता है। तो ये आंसर आपका फाइनली 4263 एंगस्ट्रम, इतना आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी द वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटिंग रेडिएशन इन एन एक्सपेरिमेंट इतना इज़ 4358 एंगस्ट्रम एंड दैट ऑफ स्टोक्स लाइन्स इज इतना। डिड्यूस द पोजिशन ऑफ द स्टोक्स एंड द एंटी स्टोक्स लाइन्स ऑफ द सेम सब्सटेंस विद द एक्साइटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना 4047 एंगस्ट्रम इज़ यूज। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए अभी मैं इसको यहीं रोकता हूँ, इसको फिर मैं आगे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो ये कहता है आपका द वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटिंग रेडिएशन इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ 4358 एंगस्ट्रम। इसका मतलब है कि सोर्स की जो आपकी इंटेंसिटी है वो दे रखी है 4358 एंगस्ट्रम एंड दैट ऑफ स्टोक्स लाइन्स, और इसके लिए स्टोक्स लाइन्स भी दे रखा है आपका 4567 एंगस्ट्रम पे, राइट? ये तो गिवन पार्ट है। डिड्यूस द पोजिशन ऑफ द स्टोक्स एंड द एंटी स्टोक्स लाइन्स फॉर द सेम सब्सटेंस व्हेन द एक्साइटिंग रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 4047 एंगस्ट्रम इज यूज। अच्छा, तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक्साइटेशन जो सोर्स का जो आपका फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की, इसको चेंज करके 4358 से 4047 एंगस्ट्रम कर दिया जाता है, तब आपके स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस की पोजीशन आपने निकालनी है बेसिकली। ठीक
ठीक है। तो दो यहाँ पे आपको सोर्स, दो सोर्स दे रखे हैं, तो पहले सोर्स से आप क्या करेंगे, रमन शिफ्ट निकालेंगे। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप यहाँ से इसको देखना शुरू करते हैं, स्टोक्स लाइन्स कैसे आती हैं, इसकी थ्योरी में मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, स्टोक्स लाइन्स। ओके, स्टोक्स लाइन्स के लिए आपको पता है न्यू सोर्स दैट इज एक्साइटेशन, ओके, माइनस डेल्टा न्यू, डेल्टा न्यू इज द रमन शिफ्ट। ओके, ऐसे ही एंटी स्टोक्स लाइन ले लीजिए आप, एंटी स्टोक्स लाइन्स, एंटी स्टोक्स लाइन्स में क्या हो जाएगा, न्यू एक्साइटेशन दैट इज सोर्स प्लस रमन शिफ्ट, डेल्टा न्यू इज द रमन शिफ्ट। तो पहले रमन शिफ्ट ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो रमन शिफ्ट के लिए आपको पता है डेल्टा न्यू, अब देखिए कहीं पे न्यू बार होगा कहीं पे न्यू होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आप, ठीक है, एक ही बात है, न्यू कहें या न्यू बार कहें, तो इनका वेरिएशन आपका एक सा ही होता है, यूनिट इनकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालते हैं इसको, देखिए न्यू ऑफ एक्साइटेशन दैट इज सोर्स माइनस न्यू ऑफ स्कैटर्ड, जो आपकी लाइट स्कैटर्ड हुई है। तो इसके लिए अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यूज कैसे रखी जाएंगी, न्यू एक्साइटेशन आपका आ जाएगा 1/4358 एंगस्ट्रम, सोर्स की इंटेंसिटी, क्योंकि आपको ये गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं माइनस 1/4567 एंगस्ट्रम, ये आपकी स्टोक्स लाइन्स की इंटेंसिटी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, या वेवलेंथ आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ गिवन है इस केस में। तो ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, तो इससे आप रमन शिफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रमन शिफ्ट का जो वैल्यू आपका आएगा वो आएगा 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके के कैलकुलेशंस आप करना जानते होंगे, देखिए नेट में अगर आप करेंगे तब तो मैन्युअली आपको करना होता है, हालांकि सीएसआईआर नेट में कभी भी इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो नहीं देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। और दूसरे अगर एग्ज़ाम देते हैं आप, गेट का एग्ज़ाम देते हैं या आप IIT जैम में हैं या TIFR हैं, तो वहाँ तो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलते हैं, तो अलाउड होते हैं, तो उनको आप वहाँ पर यूज़ करना जानते हैं। फिलहाल मैं इनको डायरेक्ट आपका सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इतनी वैल्यू इसको आ रही है, आप खुद भी वेरीफाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रमन शिफ्ट आपको मिल गया, अब आपके रमन शिफ्ट मिल गया, तो दूसरी चीज़ जो आपने निकालनी है वो आपने ये निकालनी है कि इस, ये जो सोर्स है, दूसरा जो सोर्स यूज़ किया हुआ है 4047, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, इस एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करेंगे आप अपना सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू एक्साइटेशन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपको जब आप इसको सॉल्व करें तो ऊपर से हर जगह आपको न्यू बार लगा हुआ दिखाई दे, ठीक, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह चाहें तो आप ऐसे न्यू बार भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन है सेकेंड रेडिएशन के लिए, सेकेंड रेडिएशन के लिए जब आप निकालेंगे सो दैट वुड बी 1/4047, ठीक है। अगर मेरे को ये सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, सॉरी, अगर ये मुझको सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10^-8 से, तो ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2470 सेंटीमीटर इनवर्स, बस इतना ही आपने करना है। अब ये वैल्यूज़ आपने ये इधर स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में पुट कर देनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्टोक्स लाइंस के लिए आप यहाँ देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए स्टोक्स लाइंस, स्टोक्स लाइंस में क्या है, न्यू एक्साइटेड सोर्स की, जो दूसरा वाला सोर्स था उसकी वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू आपकी है 2470। अब इसकी शिफ्ट क्या होगी, स्टोक्स के लिए आप निकालेंगे तो इसमें से आपको रमन शिफ्ट माइनस करनी पड़ेगी, माइनस रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट आपकी आई है 1050, तो आप इसमें लिखेंगे 1050, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आज जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज 2360
सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही आप एंटी स्टोक्स के लिए निकाल लीजिए। यहाँ पे तो एंटी स्टोक्स में क्या होता है, ऊपर चेक करें देखिए, सोर्स का वेव नंबर और फिर रमन शिफ्ट ऐड की जाती है इसमें। तो सोर्स आपका है 24710 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, प्लस रमन शिफ्ट दैट इज 1050, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे दैट विल गिव यू 25760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपकी वेव नंबर आ जाते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो पूछता है कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन को आपने, क्योंकि ये यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है वो आपकी एंगस्ट्रम में है, तो चाहें तो आप इसको एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर एग्जाम में दिया है कि एंगस्ट्रम में निकालना है तब आप चेंज करिए, और अगर नहीं दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन देख लें। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं, देखिए इजीली आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ बता देता हूँ, लैम्डा फॉर द स्टोक्स लाइन्स, लैम्डा फॉर द स्टोक्स लाइन्स दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/, स्टोक्स की वैल्यू ये है 23660 सेंटीमीटर इनवर्स था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देन इट विल गिव यू 4.226 × 10⁻¹⁵, ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में ही है। अगर ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में ही है ऐसे करके, ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं एंगस्ट्रम में तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁸ से। द मोमेंट यू डू दिस स्टेप तो आपको मिल जाएगा 4.2265 एंगस्ट्रम, ठीक है भाई। ऐसे ही आप एंटी स्टोक्स के लिए भी कर सकते हैं, लैम्डा एंटी स्टोक्स दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/, एंटी स्टोक्स की वैल्यू है 25760, और इस पूरे फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁸ से, ठीक, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 38819 एंगस्ट्रम। तो चाहे ये वाले दोनों आंसर लिखें, अगर आपका एंगस्ट्रम में पूछा है तो इनमें से सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज उसकी ऊपर वाली की तरफ से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, बाय व्हाट फैक्टर विल द स्कैटर्ड इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन बैंड बी इंक्रीज्ड ऑन चेंजिंग द एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, तो ये कहता है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट चेंज करी है इसने, तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, यहाँ से नीचे से आप देख लें। पहले ये हीलियम और नियन लेज़र यूज़ करता है, और उसके लिए जो ये सोर्स है, एक्चुअली हीलियम और नियन का सोर्स यूज़ करता है, तो इसमें नैनोमीटर में 632.8 नैनोमीटर की आपकी वेवलेंथ मिलती है। अगर इस एक्साइटेशन को ये चेंज करता है, इस सोर्स के एक्साइटेशन को, सोर्स की वेवलेंथ को ये चेंज करता है और आर्गन का लेज़र यूज़ करता है, तो 488 नैनोमीटर के आसपास आता है। तो इसको चेंज करने पे ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी है आपका, ये किस फैक्टर से बढ़ेगी आपकी। तो यहाँ से एक सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रमन लाइंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइंस, ये होती है सोर्स के वेव नंबर के, या फ्रीक्वेंसी वेव नंबर जो भी कहना चाहें, फोर्थ पावर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को एज सच एज सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बाय विच इंटेंसिटी विल इंक्रीज, इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगा लीजिए, न्यू बार ऑफ आर्गन लेजर डिवाइडेड बाय न्यू बार ऑफ हीलियम नियन, ऐसे ले सकते हैं आप इसको, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, न्यू रखें या न्यू बार रखें। चलिए क्योंकि इसमें यूनिट ऐसी नहीं है कि इनको चेंज किया जाए, तो
तो इसको न्यू और न्यू बार ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बुक में ये अलग तरीके से सॉल्व किया हो, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपने लिया हुआ है, इसकी फोर्थ पावर के ऊपर होना चाहिए बेसिकली, ऐसे करके। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करें, पहले तो जो आपके ये सोर्सेज दे रखे हैं इनके लिए आप कैलकुलेट करें न्यू ऑफ हीलियम नियन लेज़र फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कैसे फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, इस केस में स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, दैट इज सी, जो कि मीटर पर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। फिर आप निकालेंगे लैम्डा, ये भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए भाई, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 × 10 इज द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड है, आपको पता ही है। और पहला सोर्स आपका है हीलियम नियन वाला, 632.8 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁷ कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे, और इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 47408 × 10⁻¹⁰ सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपकी ऐसी आ जाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यही आप आर्गन के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्गन, अगेन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻¹⁰, वही सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसके लिए आपका आर्गन लेज़र के लिए 488 नैनोमीटर आपको दिया हुआ है, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए -7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट वुड बी इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे, देन यू विल गेट 63321 × 10⁻¹⁰ सेकेंड इनवर्स। बस दो वैल्यू मिल गई आपको इस फॉर्मूले में, ऊपर यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर्गन के लिए 63321 × 10⁻¹⁰ सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय हीलियम नियन के लिए 47 47, कितना, 408, 47408 सपोज इतना आ रहा है आपका, तो ये आपको मिलेगा लगभग लगभग 10⁻¹⁰ इनकी पावर 4 ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अगर आप इसको निकालेंगे फैक्टर को, तो ये आएगा लगभग लगभग 3.19 के आसपास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना आपको आना चाहिए। आई होप कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप इसको सीखिए किस तरीके से कर सकते हैं, और कभी अगर टाइम मिलेगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे इन कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं उसके लिए भी हम कभी वीडियो बनाने की सोचेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये आपका वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो इतने मेरे हिसाब से जितने ये न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल सफिशियंट हैं। ठीक है, और सॉल्व करके देख लीजिए इतना ही आ रहा है। तो क्योंकि देखिए बुक में जो वैल्यू लाइट की यूज़ करी है वो 2.998 कुछ समथिंग रखी हुई है, तो ये आंसर शायद बुक से तो मैच नहीं करेगा, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये 47408 देख लीजिए ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो, तो आप इसको ज़रूर एक बार से सॉल्व करके भी देख लीजिए। तो इस तरीके से अप्रोच अगर आप रखेंगे तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होने वाली सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर मेरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, CSIR, नेट, गेट, एग्जाम में तो शायद इतना नहीं पूछा जाता है, टेफर वगैरह में पूछते हैं, तो यहाँ तक भी अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको आपके एग्जामिनेशन में, और MSc स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।